हाँ रुका हूँ वहाँ से रामेश्वरम, अभी भी 100 किलोमीटर है, थक गया हूँ भाई। गॉड बता रहा हूँ, गर्मी बहुत है यार, गर्मी ने हालत ख़राब करके रखा है यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। करवाया यहाँ पे, देख सकते एकदम धूप ही धूप यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गाड़ी भी खड़ी है, हालत ख़राब हो रखा है। खैर क्या ही कर सकते हैं यार, चलते हैं आगे, वेट करने के बाद निकलूँगा थोड़ी देर में। पेट्रोल भरा लिया हूँ, देखिए यहाँ पे पूरे इतने बड़े पेट्रोल टंकी को ये दो लेडीज़ हैं, पीछे में दो लेडीज़ होंगी, ये भी लेडीज़, ये दोनों संभाल रहे हैं यार। ये चीज़ होता है नारी सशक्तिकरण, बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पे मैंने बहुत जगह देखा कि बहुत सारे शॉप ऐसे हैं कि जिनको मतलब लेडीज़ें संभाल रही, बहुत अच्छा लगता है, जान के सैल्यूट है आप लोगों को, बहुत अच्छे हैं। ठीक है कैरी ऑन, बट जो भी है बढ़िया है, बहुत चौड़ी नदी है, जैसे वहाँ हमने गोदावरी और कृष्णा को देखा, ठीक वैसी है, बहुत चौड़ी दोस्तों, देखिए आपको दिख रहा हो तो, बहुत लंबी पुल भी है, काफ़ी चौड़ी नदी है दोस्तों। मैं जहाँ पे पेट्रोल टंकी रुका था वहाँ से मैं आगे जा रही था, भूख लगा हुआ था यार काफ़ी, मैं रुका हुआ था, फिर वहाँ बहुत अच्छी एक इंसिडेंट हुई। यहाँ पर हमारे साथ भारत के दो जो जवान हैं, 35 ईयर जिसमें रिटायरमेंट दिया जाता है, 20 साल उन्होंने सेवा किया है, मैं उनसे मिलाता हूँ। ये सर मिले, दो सर, दिस साइड आई विल शो यू, ये देखिए ये दोनों जो सर हैं अभी सिविल ड्रेस में हैं, ये सर ड्रेस में हैं, ये सारे लोग अभी बैंक ज्वाइन कर चुके हैं, ये भारत मतलब शिमला सिलांग वहाँ पे इनका जॉब रहा, 20 साल तक उन्होंने भारत देश का सेवा किया, बिलोंग हिमाचल प्रदेश में रहा इन्होंने, मतलब बहुत ही रिस्की जगह में इन्होंने सर्विस अपनी सेवाएँ दी। तो यार प्राउड होता है ऐसे लोगों से मिल के कि इन्होंने भी पूरा भारत यात्रा की, वो भी माँ भारती की सेवा करने के लिए, भारत देश की सेवा करने के लिए। हम तो यार कुछ भी नहीं रहते, हम तो सिर्फ एकीकरण के लिए घूम, लेकिन ये भारत देश की इतना रिस्क लेके बच्चे परिवार को छोड़ के उतना दूर रहते हैं, मैं इनके लिए सैल्यूट करता हूँ। सर प्लीज़ टेल योर नेम प्लीज़। सर मेरा नाम सतीश है, सतीश सर, 20 साल भारतीय दल सेना में सर्विस किया है, भारतीय उसके बाद फिर भी हम देश के लिए ऐसा सेवा कर रहे हो, बिल्कुल अभी भी हमारे लिए गर्व है, गर्व की बात, अभी भी हमारे देश के लिए हमारा जान भी देने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए, भारत के लिए हमारा झंडा को ऊंचा पकड़ना है, बिल्कुल। थैंक यू सर। ये और मेरा नाम पुष्पराज है, मैं 17 साल सर्विस किया फौज में, ओके ओके सर, अभी इन बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सर, ये होता है यार जज्बा, बताइए कि सब चीज़ हो गया, उनके तरफ से पेंशन भी आया, फिर भी वो है कि हाँ देश के लिए कुछ करना है, ये जज्बा रखा है, अभी पूरा यंग है, पूरा देख रहे हैं आप लोग, अभी पूरा सेवा करते रहेंगे, ये होता है। प्लीज़ इनके लिए कम से कम मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिश्रम से 50 किलोमीटर दूर हूँ और देख रहे हैं पत्ते में खाना मिला है, खाना खा रहा हूँ, तो पता नहीं क्या क्या दिए हैं यार, जो भी है ट्रेडिशनल, पूरा भीड़ लगा है और यहाँ पे देख सकते हैं जो है। चलिए ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर, जा रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, धूप भी काफ़ी तेज़ है, बट एक चीज़ है कि हम समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं तो हवाएं बस थोड़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं, तो उससे एक राहत मिला हुआ है। रोड के ऊपर एक किनारे किनारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों, ये नारियल के पेड़, दोनों तरफ पर नारियल के पेड़ों को लगाया गया है, तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पर, और समुद्र की मतलब जो ठंडी हवाएँ और ज़्यादा माहौल को खुशनुमा कर रही हैं। देखिए दोस्तों मोर, यार हमने रास्ते में मोर देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत था मोर, और ये देखिए रहा राइट साइड में हमारे अब समुद्र स्टार्ट हो चुका है, पूरा ये रोड रामेश्वरम तक जाते तक ऐसा ही समुद्र हमारे साथ ही चलते रहेगा। ये देखिए हमारी गाड़ी भी बिल्कुल ट्रेन के साइड ही साइड गुजर रही है, मतलब कि ट्रेन ट्रैक्स के, बहुत प्यारा है यार, बहुत अमेजिंग लग रहा है, समुद्र के बीच में ट्रैक बना हुआ है इतना लंबा चौड़ा। पीछे साइड जो देख रहे हैं पुल दिख रहा है, समुद्र के बीचों बीच है दोस्तों ये पुल, इसी में से जो ट्रेन गुजरती उसी से ही लोग देखने आते हैं, बिल्कुल ये समुद्र के बीचों बीच है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ भी समुद्र है और इस तरफ भी समुद्र है, और हम खुद ही समुद्र के बीचों बीच जो एक फ्लाईओवर बना है उसके ऊपर चल रहे हैं, बेहतरीन भी है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन लग रहा है यार देखने में, अल्टीमेट फील है यहाँ पे। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, समुद्र का ये अलग व्यू है और इस तरफ अलग व्यू है, और हम समुद्र के बीचों बीच एक फ्लाईओवर है उस पर चल रहे हैं, क्या दिखा, देखिए दूर में आपको देखिए शिप भी दिखेंगे, अरे बाप ये वाइब्रेट भी हो रहा है दोस्तों, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं दोस्तों रामेश्वरम, बहुत प्यारा यहाँ पे चर्च दिख रहा है दोस्तों, यहाँ बहुत सारे चर्च हैं एक्चुअली, जैसे आप इस तरफ आते हैं बहुत सारे चर्च हैं रामेश्वरम एरिया में, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। रामेश्वरम में इंटर करते ही दोस्तों भीड़ स्टार्ट हो गई है, सड़कें बहुत पतली पतली सी लग रही हैं,
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पोल्यूशन भी हो रहा है। ये चीज़ बस कुछ समझ नहीं आया, इतना बड़ा धाम हो के भी ऐसी व्यवस्था यहाँ पर। खैर जो भी यार, दर्शन तो करने हैं, चलिए चलते हैं आगे। मैं रामेश्वर पहुँच चुका हूँ, ये आप देखेंगे सामने ये है मंदिर। चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं अभी मंदिर को जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये है मंदिर, मैं बिल्कुल सामने हूँ मंदिर के। और मैंने यहाँ एक पेट्रोल टंकी वाले से बात करके वहाँ अपना सामान रख लिया है। अब देखते हैं, ट्रस्ट पे चलता है यार, वैसे भी इतना पावन धरा है। चार मेन हमारे भारत देश के जो धाम हैं उनमें से एक जगह होता है, तो देखते हैं कितने ट्रस्टेबल लोग हैं। चलिए मंदिर, मंदिर के बिल्कुल सामने से ये मेन इसका प्रवेश द्वार है। और इस तरफ से ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से धनुषकोटी जाते हैं, जो हम बाद में चलेंगे। सामने है ये रामेश्वरम मंदिर, हम बिल्कुल सामने रामेश्वर मंदिर। चलिए अंदर। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल ऑन नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही भव्य मंदिर है दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ बनी रहती है किसी भी सीजन में आप आइए। ये है मेन मंदिर दोस्तों, यही है मेन मंदिर। जहाँ पर हाथी के लिए 10 रुपये 20 रुपये देकर उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता आशीर्वाद के लिए पैसे की क्या ज़रूरत है यार। ये व्यक्ति सबसे पैसे लेकर उसे आशीर्वाद दिलवा रहा है। ये भैया हमें मंदिर के बारे में कुछ कुछ जानकारी दे रहे हैं जो हमें पता नहीं है, और उस जानकारी के बेस पर ही हम पूरे मंदिर का दर्शन फिर से करेंगे। मंदिर दर्शन करने वाले की देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम खुद भीड़ में फंसे हुए हैं। अभी जो आप इतनी दूर से शिवलिंग देख रहे हैं दोस्तों, यही मुख्य शिवलिंग है रामेश्वरम का, और इसी के कारण रामेश्वर धाम बना। निकल रहे हैं यहाँ से, नंदी जी के साथ में हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे मैं अभी नवग्रह मंदिर पर हूँ, बताते हैं इसके चक्कर लेने से आपके पाप कटते हैं। यार आप इस मंदिर की स्थापत्य को देखिए, कितने मेहनत से और कितने सफाई के साथ ये विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, और कैसे किया गया होगा ये कल्पना करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। अभी मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ और जा रहा हूँ फिर से जहाँ मैंने ट्रेन से उतर गया हूँ।
ये बता दूँ कि मंदिर के चार रास्ते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं, कहीं से भी निकल भी सकते हैं। बहुत ही विशाल है यार मंदिर, और बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पे लगे रहते हैं। जैसे निकल के आ गया हूँ यार बाहर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ था, पैदल चलना पड़ा काफ़ी। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़े करके रखी थी, पहुँच चुका हूँ गाड़ी के पास में। बाई गॉड एक चीज़ तो है यार, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ अंदर में, बहुत ज़्यादा भीड़, और बहुत मशक्क़त के बाद आपको दर्शन होगा जो भी मेन वहाँ देवी देवता रहेंगे। धामों में तो यही कंडीशन है, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है यार। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बाहर से आप जब आएंगे तो गेट लाइक देख के लगे छोटा, बट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर, एक बार ज़रूर घूमिए यार। अभी मैं आ गया अपने टेंट के अंदर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना प्यार अपने भाई पर ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं कल फिर से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, गुड बाय 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 बाय।